उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने दौरे के पहले दिन लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी यूपी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इस दौरान जेपी नड्डा ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ करते हुए उनके काम गिनाए। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में आज यूपी तेजी से तरक्की कर रहा है। दशकों से कई गांव ऐसे थे जहां कभी बिजली नहीं आई, लेकिन मोदी और प्रदेश में योगी के नेतृत्व में आज लोगों के जीवन में रोशनी आई है। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई करना ही बीजेपी का एजेंडा है। योगी सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। जिस तरीके से इस महामारी में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव कराए, ये सब आपको भारत में ही मिलेगा। अभी योगी आदित्यनाथ जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है और किस तरीके से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है। और जब मैं भारत की बात करता हूं तो आपको जानकर के आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन खुशी जरूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और पांचवा स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए। ऐसा जैसा भी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है। उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते, ब्रज में हमने 112 जीते, कानपुर में हमने 90 जीते, अवध में हमने 136 जीते और काशी में 109 सीट्स जीती हैं और गोरखपुर में 147 सीट जीती है। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र के दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है। और यहां का चुनाव जीत करके आप आए हैं, आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको भविष्य मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले की सरकारों ने किसानों का सम्मान नहीं किया, लेकिन 2014 के बाद से हमारी सरकार ने कृषि पर दोगुना खर्च किया। यूपीए सरकार में 1.21 लाख करोड़ रुपए कृषि पर खर्च होता था, लेकिन मोदी जी की सरकार में 2.11 लाख करोड़ रुपए कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। डीएपी जो 2400 रुपए में आता था, आज वो 1200 रुपए में आता है। पहले की सरकारों में यूरिया लेने के लिए किसानों को लाठी खानी पड़ती थी। आज तक किसी सरकार ने किसानों का सम्मान नहीं किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने किसान सम्मान की राशि देकर उनका मान बढ़ाया है। आप सभी लोगों को इसे बताना होगा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार, पूछो उनसे और बताओ और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था, उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 1.21 लाख करोड़ खर्च होता था, आज 2.11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया, क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए, सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में
देने का जो निर्णय किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे? ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या? क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? तो 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी और वैक्सीन भी फ्री में सबको देने की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 5 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 साल से ऊपर के 2 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये वैक्सीन फ्री वैक्सीन, ये सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से देश के नागरिकों को पहले जीवन बचाने की व्यवस्था, उसकी जीविका को बचाने की व्यवस्था और फिर इस महामारी से एक सुरक्षा कवच देने की भी एक कार्रवाई पूरे देश के नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक तबके का न केवल देश का नेतृत्व दे रहे हैं बल्कि हर एक तबके को ख्याल भी रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं और उसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। लेकिन जब देश संकट में था, सरकार काम कर रही थी, जनता के हितों के लिए हर प्रकार का योगदान दे रही थी, तब केवल एक संगठन कार्य कर रहा था और वह नेतृत्व था श्री नड्डा जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से कहा था कि संगठन का काम इस समय बूथ संरचना नहीं बल्कि संगठन का कार्य सेवा का है, संगठन ही सेवा ही संगठन है, इस लक्ष्य को लेकर के हमें कार्य करना है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को यूपी प्रवास के दौरान अवध से ब्रज तक चुनावी मंथन करेंगे। 7 अगस्त को लखनऊ में सरकार व संगठन को चुनावी एजेंडा सौंपने के बाद 8 अगस्त को आगरा में चुनावी बिगुल बजाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।